ग्वालियर शहर की बहुड़ापुर पुलिस ने एक विवाहिता के साथ जान से मारने की धमकी देकर लगातार 2 महीने तक दुष्कर्म करने वाले शैलू उर्फ शैलेंद्र सिकरवार के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भूमिगत हो गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल 33 वर्षीय पीड़ित महिला अपने बेटे के साथ बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में रहती है। उसकी सोशल मीडिया के जरिए शैलू उर्फ शैलेंद्र सिकरवार से मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे यह पहचान दोस्ती में बदल गई। एक दिन बहुड़ापुर स्थित होटल डिलाइट में शैलेंद्र सिकरवार ने महिला को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उसने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा, जिससे परेशान होकर महिला ने अपने परिजनों को इस घटना के बारे में बताया और बहुड़ापुर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया। बहुड़ापुर थाने में एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि वो अपने पति से अलग रहती थी, बच्चे को यहाँ पढ़ा लिखा रही है और इसी दौरान उनकी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति से परिचय हो गया था और धीरे धीरे उनकी मुलाकात नज़दीकियाँ बढ़ती गई और उसने एक दिन होटल डेलाइट में उनको बुलाया और उसको जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके साथ लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। तो उससे पीड़ित होकर महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। महिला की रिपोर्ट पर से 376 और 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना की जा रही है। आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए।